मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के बाद रीवा शहर को बघेल राजाओं ने अपनी राजधानी बनाई। तभी से रीवा और यहां के सौंदर्य को ऐतिहासिक रूप से पहचान मिली। बघेल राजाओं ने रीवा में विशाल सेना तैयार की। इस सेना के पास बड़े खतरनाक हथियार थे। इन हथियारों में तोप, तलवार, ढाल और बंदूकें भी थी। साथ ही हाथी, घोड़े और बाघ भी बड़ी संख्या में थे। रीवा के बघेला म्यूजियम में अभी भी बहुत से चीजों को सहेज कर रखा गया है जो आज भी दुर्लभ है। उन दुर्लभ वस्तुओं में एक शाही तलवार भी है जिसका इस्तेमाल बॉलीवुड की फिल्मों में भी किया गया है। इतिहासकार असद खान बताते हैं कि 26 अक्टूबर वर्ष 2001 में शाहरुख खान और करीना कपूर की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम अशोका था। यह फिल्म मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित थी। उस दौर में यह फिल्म 13 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई थी। फिल्म में अशोक और उसके साम्राज्य के बारे में दिखाना था। शाहरुख खान और उनकी टीम राजा महाराजाओं की ऐसी शाही तलवार की तलाश कर रहे थे जो अशोका के साथ फिट बैठे। उन्हें ये पता चला कि रीवा रियासत के बघेला म्यूजियम में पुराने और ऐतिहासिक तलवारों का संग्रह किया गया है। इन तलवारों का इस्तेमाल शाहरुख ने अपने फिल्म में किया था। असद खान बताते हैं कि फिल्म के मेकर्स ने राज परिवार से उनकी विरासत की शाही तलवार का इस्तेमाल फिल्म में करने के लिए आग्रह किया, लेकिन जब राज परिवार में फिल्म मेकर्स की आग्रह को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रीवा के बघेला म्यूजियम में रखी तलवार शाहरुख खान को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस तलवारों का फिल्म में उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और रीवा रियासत के राजा पुष्पराज सिंह को खुद फोन कर इजाजत मांगी थी। शाहरुख की कोशिशों के बाद राज परिवार ऐसा करने के लिए राजी हो गया, लेकिन जब में शूटिंग शुरू हुई, शाहरुख ने उस शाही तलवार को उठाया तो उन्हें बड़ी मुश्किल हुई। शूटिंग पूरी होने के बाद मेकर्स ने रीवा के राजघराने को उनकी शाही तलवार वापस लौटा दी। वो नायाब तलवार अभी भी रीवा के बघेला म्यूजियम में रखी हुई। रीवा के जो तलवारें हैं वो बेहद शार्प और तेज होती थी। एक ही झटके में दुश्मन की गर्दन काट देती थी, एक ही झटके में दुश्मन की बाजू काट देती थी, एक ही झटके में दो टुकड़े कर देती थी। इतनी तेज, इतनी शार्प तेज तलवारें थी यहाँ की, वो आज भी मौजूद हैं। जब अशोका फिल्म बन रही थी और शाहरुख खान उसके एक्टर थे, जूही चावला भी उसमें को प्रोड्यूसर थी, तो शाहरुख खान ने कहीं से मालूम पड़ा होगा कि रीवा तलवारें बड़ी यूनिक तलवारें हैं, तो उन्होंने जूही चावला के भाई को भेजकर और फोन करके महाराजा पुष्पराज सिंह जुदेव को फोन किया, शाहरुख खान ने जूही चावला ने कहा आप भेज दीजिए हमें और फिर हम वापस कर देंगे। तो भेड़ा घाट में शूटिंग चल रही थी, कुछ मुंबई में चल रही थी शूटिंग उसकी, तो रीवा की उन तलवारों को इस्तेमाल हुआ है और अशोका फिल्मों में, एक आध और फिल्मों में यहाँ तलवारें गई हैं, वही तलवारें वापस आकर म्यूजियम में लगी हुई हैं।